नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम जो आपके सामने सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं वो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 ऑफ स्टैटिक जी के, और ये सेशन भी आपको काफ़ी अच्छे लगने वाला है। तो सेशन को एंड तक देखेगा और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब मैं आपको बनाऊंगा, प्लस करेंट अफेयर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, स्टैटिक जीके की भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, स्पेशल जीए जीके सीए टॉपिक की भी प्लेलिस्ट बना दी है, प्लस शिक्षा से टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उसको जरूर जाके देख लें। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि मीराबाई चानू कहाँ सॉरी मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी, मेवाड़ की, मेड़ता की, सितारा की या फिर बीजापुर की। देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेड़ता, राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी, तो वो थी मेड़ता, राजस्थान की, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा केस हो जाएगा, तो केशवानंद भारती मामला। ध्यान रखिएगा किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया, तो वो हो जाएगा केशवानंद भारती मामला, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी, तो किसने करी थी, ज्योतिबा फूले ने करी थी, ये भी आपको पूछा जा सकता है। आपको भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, भीमराव अंबेडकर जी से और गांधी जी से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन यही है कि आपका पूना पैक किसके किसके बीच हुआ था, जो कई बार आपको पूछा गया 1932 में, आपका यरवदा जेल कई बार पूछा गया किसके किसके बीच हुआ था, तो वो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपको बन सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर ज्योतिबा फूले। रोगजनक सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है, तो इनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक। ध्यान रखिएगा ड्रग्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड दैट इज एंटीबायोटिक्स। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो एनडीसी। देखिए जितने भी आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो फ्रेम करी जाते हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे नीति कमीशन हो गया, नीति कमीशन के भी चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो प्रधानमंत्री ही हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री एनडीसी के अध्यक्ष होंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। आगे बढ़ते, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी, तो देखिए क्रेडिट जाता है नरसिम्हन कमेटी को। किसको जाता है, नरसिम्हन कमेटी को जाता है, और ये कब हुआ, 1975 आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का ये भी क्वेश्चन है। प्लस आपको नाबार्ड पूछा जा सकता है 1982, ये भी ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपको कई बार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1975। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी, यानी हु अमंग द फॉलोइंग डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगान, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित है, गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, गुलाम वंश आपका 1206 से 1290 तक चला। इल्तुतमिश भी खैर आपका गुलाम वंश का संस्थापक है, जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस जो कि दामाद था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का, प्लस कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ हुई थी वो चौगान खेलते वक्त हुई थी। प्लस अगर पूछा जाएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही रखी गई थी, जो कि पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का। और इसे लाखबख्श के नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, तो लाखबख्श के नाम से जाना जाता था। प्लस फिरोज शाह तुगलक मैंने आपको बताया किस वंश से संबंधित, तुगलक वंश से संबंधित, जिन्होंने हेरिडेटरी आर्मी चलाई, वंशानुगत आर्मी चलाई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस इरिगेशन के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया। अलाउद्दीन खिलजी पूछा जाएगा खिलजी वंश से संबंधित है, जिसने सीरी का किला हो गया आपका पूछा जाएगा किसके द्वारा बनाया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हजार खंबा पूछा जाएगा किसके द्वारा बनाया गया, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अल्तुतमिश पूछा जाएगा, जो कि आपका गुलाम वंश से ही संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकता प्रणाली किसने चलाई, तुर्की चलगाही किसने चलाई, तो वो अल्तुतमिश के द्वारा ही चलाई गई थी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो वो हो जाएगा आपका मोज़ेक, नेटस्केप, ओपेरा या फिर मोज़िला। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोज़ेक। ध्यान रखिएगा नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित वेब ब्राउजर, तो वो हो जाएगा मोज़ेक। प्लस देखिए कुछ क्वेश्चन, सबसे सुपर कंप्यूटर पूछा जाएगा विश्व का कौन सा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, फुगाकू किसने बनाया, जापान के द्वारा बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है।
अभी पूछा जाएगा कि किसने इंद्रजाल बनाया, तो इंद्रजाल आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपका एक हमारा इंडिजीनियस ड्रोन हो जाएगा, जो कि ग्रीन टेक्निकल कंपनी की तरह बनाया जा रहा है हैदराबाद में। प्लस पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सर्वर तो रुद्रा हो जाएगा, जो सी डैक की तरफ से बनाया जा रहा है, ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन के आंसर मोजैक हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को रुपयों की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी, कितनी, तो 3,000 रुपीज की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी श्रम योग मानधन योजना के तहत, जो कि आपको पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी खदानों के लिए फेमस है, किसके लिए है, तो वो कोल खदानों के लिए फेमस है, जो कि पूछा जा सकता है। हसदेव कहाँ पे हो जाएगा, वो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा गुरु घासीदास कहाँ पे हो जाएगा, वो भी छत्तीसगढ़ में हो जाएगा आपको पूछा गया, तो इंदिरा वन मितान कहाँ हो जाएगा, तो वो भी कहाँ पे स्कीम चलाएगी, तो वो भी आपकी कहाँ पे हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो देखिए, करंट में पूछा जाए तो भूपेश बघेल कौन हो जाएंगे, वहां के सीएम साहब हो जाएंगे। भूपेश बघेल पूछा जाएगा तो वहां के सीएम साहब हो जाएंगे, 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। और अनसुईया उइके, ध्यान रखिएगा, अनसुईया उइके कौन हो जाएंगी, तो वो वहां की गवर्नर हो जाएंगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस अगर पूछा जाएगा आपको कि हरेली फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में, और आपको मड़ई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में, ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपको। जीरा फुल राइस को जीआई टैग भी दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को के नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया, वो कौन, अब वो हो जाएंगी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगी कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद महासागरीय क्षेत्र की निगरानी करने के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया, किसका, तो वो क्या था, इंडस नेत्र। अब देखिए डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया डीआरडीओ, वेरी इंपॉर्टेंट, 1958 में स्टैब्लिश हुआ था, दिल्ली में इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा डीआरडीओ एक ऐसी संस्थान है जिसका मोटो जो है ना वो क्या है, वो संस्कृत भाषा में, वो क्या है, वो हो जाएगा बलस्य मूल विज्ञानम। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, कई बार आपको पूछा गया क्या हो जाएगा, बलस्य मूल विज्ञानम, जो कि संस्कृत भाषा में, ठीक है। और डीआरडीओ के करंट में अगर हेड पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी, कौन हो जाएंगे, जी सतीश रेड्डी। अब इसरो पे बात कर लेते हैं भाई, इसरो की स्टैब्लिश इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्टैब्लिश हुआ था, कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका में। ध्यान रखिएगा वर्तमान में पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे इसके हेड, तो वो हो जाएंगे एस सोमनाथ, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके किससे पूछे जा सकते हैं, इसरो से पूछे जा सकते हैं। और डीआरडीओ की एस्टैब्लिशमेंट आर्मी के द्वारा मिलकर कही गई थी, तो कोई पर्टिकुलर एक नाम नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सिंधु नेत्र हो जाएगा। सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था, तो वो हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। सहायक संधि अगर पूछा जाएगा सबसे पहले किसने दिया था, तो डुप्ले ने दिया था, गवर्नर है, जो कि एक जो है कि फ्रेंच गवर्नर था, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन वो हो जाएगा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि सहायक संधि के लिए कौन सा गवर्नर जनरल जाना जाता है, तो वो हो जाएगा वेलेजली, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर हैदराबाद के निजाम। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे, वो कौन हो जाएंगे, बुतरस घाली। ध्यान रखिएगा एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूएनओ से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, एक नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या हो जाएगी, तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या हो जाएगी, वेबर हो जाएगी, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई, तो देखिए बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन कहा गया, जिसके अगर लीडर पूछा जाएगा कौन थे, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक नंबर का क्वेश्चन है, 1905 सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। अब देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को जो है कि बेताज बादशाह भी कहा जाता है, तो पूछा जाएगा कि बेताज बादशाह की उपाधि किसको दी गई है, तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को ही दी गई है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस अगर पूछा जाए गांधी जी का चंपारण आंदोलन, तो 1917 में हुआ था, गांधी जी का पहला आंदोलन था। रॉलेट एक्ट पूछा जाएगा, तो वो 1919 में हुआ था, इसी के विरोध में सैफुद्दीन किचली को उठाया गया था, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको वो भी पूछा जा सकता है। और 1919 से 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन चला, जो कि 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से उसको बंद करना पड़ा। तो ये बाकी के हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो बंग भंग आंदोलन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, जो कि पूछा जा सकता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके लीडर थे, प्रणेता थे। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है, तो झांसी को वो जोड़ती है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से, पूछा जा सकता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। हिमालयन पर्वतमाला को किससे विभाजित किया जाता है, तो हिमालयन पर्वतमाला हिमाचल, हिमाद्री और सिवलिक में जो है कि आपकी विभाजित है, ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा।
हु हैज बीन कंफर्ड विद द स्पेन ऑफ टॉप अवार्ड स्पेन टॉप अवार्ड इन सोशल जस्टिस प्रिंसेस सोशल साइंस प्रिंसेस ऑफ एस्तूरियस अवार्ड। देखिए ये अवार्ड दो लोगों को दिया गया, एक प्रिंसेस ऑफ एस्तूरियस सोशल साइंस अवार्ड पूछा गया तो वो दिया गया अमर्त्य सेन जी को, ध्यान रखिएगा, और एक प्रिंसेस ऑफ एस्तूरियस लिटरेचर अवार्ड पूछा गया, आपका साहित्य का सम्मान पूछा गया तो वो दिया गया इमैनुअल कैरर को, नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से एक कोई पूछा जा सकता है आपको। तो लिटरेचर पूछा जाएगा साहित्य तो वो हो जाएंगे इमैनुअल कैरर, और सामाजिक ज्ञान पूछा जाएगा तो वो जाएंगे हमारे अमर्त्य सेन, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है आपको। हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वन द रुडोल्फ सिडलर अवार्ड, रुडोल्फ सिडलर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे नागेश्वर रेड्डी, पूछे जा सकते हैं आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बन सकता है, ठीक है ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कई बार। उसी तरह आपको बीकेएस अवार्ड पूछा जा सकता है, किसको दिया गया, आनंद पिल्लई को दिया गया जो कि पूछा जा सकता है ये भी है। राम मनोजन अवार्ड पूछा जाएगा तो नीना गुप्ता को दिया गया ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपको चमेली देव अवार्ड पूछा जाएगा तो आरफा जौहरी को दिया गया ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सच कहूं तो इस ऑटोबायोग्राफी ऑफ, सच कहूं तो किसकी किताब हो जाएगी, सुरेश रैना की, कबीर बेदी की, नीना गुप्ता की, एंड्रॉन हुई की। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएंगे नीना गुप्ता, नीना गुप्ता को आपने अगर पंचायत वेब सीरीज देखा होगा तो उसमें वो जो विधायक की वाइफ बनी है यानी मेन विधायक जो है वो नीना गुप्ता ही है, ठीक है उन्हीं की किताब क्या थी सच कहूं तो। सुरेश रैना की पूछी जाएगी तो वो आई थी बिली, भरत सुदर्शन के द्वारा। कबीर बेदी की पूछी जाएगी तो स्टोरी आई मस्ट टेल, स्टोरी आई मस्ट टेल आपको पूछा जा सकता है किसकी किताब हो जाएगी तो वो कबीर बेदी की हो जाएगी, स्टोरी आई मस्ट टेल। इंदिरा नुई की पूछी जाएगी तो माई लाइफ इज इन फुल, अगर पूछा जाएगा इनकी किताब क्या हो जाएगी तो वो हो जाएगी माई लाइफ इज इन फुल, ये भी पूछा जा सकता है आपको, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा नीना गुप्ता। गोल्डन बूट किसे यूरोपीय गोल्डन बूट जीता, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या जेमी वर्डी। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी, इनको फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया जो कि पूछा जा सकता है, प्लस इस बार जो है इनको लॉरियस में एक्सेप्शनल प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया जो कि पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की हो जाएंगे। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, देखिए इराविकुलम पूछा जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा नेशनल पार्क, वो हो जाएगा केरला में। पेरियार भी पूछा जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा केरला में जो कि पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में पूछा जाएगा तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, पूछा जाएगा पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है तो वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कर्नाटका में पूछा जाएगा तो बांदीपुर हो गया, कई बार आपको पूछा गया है, सोमेश्वर हो गया, ठीक है नागरहोल हो गया, ये कहाँ पे हो जाएंगे तो ये सब कर्नाटका में हो जाएंगे। तमिलनाडु में पूछा जाएगा तो मधुमलाई हो गया, आपको पूछा जा सकता है, अन्ना मलाई हो गया पूछा जा सकता है कहाँ पे हो जाएगा तो ये भी तमिलनाडु में। वेदांगल हो गया कहाँ पे हो जाएगा तो ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केरला। सबसे अधिक ध्यान रखिएगा 12 नेशनल पार्क एमपी के पास है और 94 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके पास है, अंडमान और निकोबार के पास। टानसिंग येन केवल 26 घंटों में दुनिया में एक महिला द्वारा एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई दर्ज की है, वो किस देश से है, सिंगापुर से, हांगकांग से, दक्षिण कोरिया, नेपाल से। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगी हांगकांग से। टानसिंग यंग जो है केवल 26 घंटों में दुनिया की एकमात्र पहली महिला बन गई जो एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने की का रिकॉर्ड दर्ज किया इन्होंने। वाणिज्य सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला था, देखिए वाणिज्य सचिव हमारे कौन जाएंगे वो जाएंगे बीवीआर सुब्रमण्यम, एक नंबर का क्वेश्चन। वाणिज्य सचिव पूछा जाएगा, कॉमर्स सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे तो वो जाएंगे हमारे बीवीआर सुब्रमण्यम, एक नंबर क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है आपसे। हु इज द चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ हु हैज बीन गिवन द 1 ईयर एक्सटेंशन रिसेंटली, यानी पूछा गया कि रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ ने किसको 1 साल का विस्तार दिया है तो वो कौन जाएंगे सामंत गोयल, ध्यान रखिएगा सामंत गोयल रॉ के हेड हो जाएंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूछा जाएगा तो अरविंद कुमार हो जाएंगे जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूछा जाएगा तो कुलदीप सिंह हो जाएंगे, ठीक है किसके एनआईए के जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, प्लस हमारे एनएसए पूछे जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो वो कौन हो जाएंगे अजीत डोभाल हो जाएंगे जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस पे। तो ये आज के क्वेश्चन थे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूँगा जनरली अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में जो कि आपको जल्दी मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि अनअकैडमी एक्सटेंड जो है, अनअकैडमी का जो ऑफर चल रहा था, मेरी पब्लिक ऑफर, वो डिमांड्स को देखते हुए एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये आपको 31 जनवरी तक मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा।
31 जनवरी तक आपको मिलने वाला, प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, 6 प्लस और एडिशनल वैलिडिटी भी मिलेगी वहां पे आपको, प्लस 12 महीने का लेने पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, और 6 महीने का लेने पे आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा तक का मिल रहा है। 20% ऑफ है सब्सक्रिप्शन पे, प्लस अगर आप कोड अप्लाई करते हैं vimlesh@14 vimlesh@14, तो आपको 30% हो जाता है 20% का कोड से, और 10% का क्वाइन से भी ऑफ हो जाता है, तो टोटल 30% ऑफ हो जाता है। जैसे आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको, मैं तो यही कहूंगा जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि मेरी सारे क्लासेस आपको आने वाली है, चाहे वो CHSL का हो, चाहे वो CGL का हो, या फिर आपका जो है Tier 2 का हो, या फिर GD के एग्जामिनेशन वो चल रहा हूँ, वहां पे मैं आपको पूरा GA और GS पढ़ाता हूँ, तो आपको SSC MTS के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस रेलवे एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉन टेक्निकल में जाकर के उम्मीद करता हूँ जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोड अप्लाई कर लीजिएगा vimlesh@14 कोड यूज कर लीजिएगा, ताकि आपको 30% तक ऑफ मिले। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।